ओके गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो चलो पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर क्या है? 50। ये आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 50 पे मिल जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं, चलो पहला क्या है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन देयर इज अ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप, पार्टनर्स के बीच में देखो जब पार्टनर्स बनते हैं ना तो वो लोग क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक प्लेस इन डैश रेशियो। तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कौन से रेशियो में प्रॉफिट ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आएगा इक्वल। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल रेशियो में ये लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? अ डैश इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल मतलब कौन सा एसेट्स? जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, है ना? तो उस एसेट्स को क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो गुडविल, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, तो आप सबको पता होगा, 11 से आप लोग पढ़ रहे हो, तो गुडविल इज द राइट आंसर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ। ठीक है, तो याद रखो कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है और हमने क्या लिया? पार्टनर से लोन लिया है ना? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसका राइट आंसर क्या है? चौथा है ना ये? चौथा, 6%। वेरी गुड। ठीक है, क्या होगा? 6%। तो अभी तक आपने क्या सीखा? पहले में क्या सीखा कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स कौन से रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल। और अगर हमें किसी पार्ट, मतलब फर्म को किसी पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, तो उस लोन पे इंटरेस्ट आएगा 6%। अगर समझो आप फाइनल अकाउंट का सम कर रहे हो, है ना, और अगर आपको पार्टनर्स का लोन दिया है समझो 10,000, और क्वेश्चन में कहीं पे भी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये हिडन एडजस्टमेंट हो जाता है। आपको 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपको दो एंट्री देनी पड़ेगी। एक तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा 6% का इंटरेस्ट, और दूसरा कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, पार्टनर्स लोन में ऐड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी क्या है? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस इज, तो आप सबको पता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, क्या होती है? अनलिमिटेड। इसका राइट आंसर आएगा बी। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन इज इन फोर्स सिंस, कब से ही है? 1932। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, तो आपको याद होना चाहिए ये पार्टनरशिप एक्ट कभी बना था? 1932 में। फिर 7th, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो मैक्सिमम पार्टनर है ना कंपनीज एक्ट के हिसाब से 50 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या पढ़ा हमने? KBC टाइप क्वेश्चन, मतलब एप्रोप्रिएट आंसर हमें क्या करना था? सिलेक्ट करना था। ये 7 क्वेश्चन थे, हमने किए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ अगर नहीं समझा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर पक्का दूंगा। ठीक है, चलो बाय।